स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल एनिमल केयर में। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा कोरोना वायरस पर करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस का चीन में फिर से आक्रमण शुरू हो गया और इस प्रकार संकट चलता रहा तो हमें भी इससे सावधान होने की जरूरत है। बहुत सी जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है, मास्क लगाना जरूरी है, अन्यथा एंट्री नहीं होगी। जैसे ताजमहल है और जैसे शिरडी का साईं मंदिर है, बहुत सी जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया, तो आप भी इससे सावधान रहें और मास्क जरूर लगाएं। और कोरोना वायरस से बचने के लिए आप जो भी उसके पीछे की गाइडलाइन है उसी तरह से उसको इस्तेमाल करते रहें और बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाए, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पूर्व में चीन में जहाँ से कोरोना वायरस का प्रभाव आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था, वहीं से फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी मीडिया खबरें और न्यूज़ें सामने निकल कर आ रही है, जिससे हमें ये चेतावनी मिलती है कि हमें पहले से ही मास्क लगाना चाहिए और जो भी पहले की गाइडलाइन है जैसे सैनिटाइज करना वगैरह वगैरह जो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन में फिर से आक्रमण इसका शुरू हो गया तो संभावना है कि हमारे यहाँ भी इसका आक्रमण फिर से हो सकता है। तो आप पहले से सावधानी रखें और जो भी सावधानी हो सकती है वो रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सावधान रहें ताकि इसका जो वायरस जनित रोग होते हैं, चाहे ह्यूमन में हो चाहे पशु में हो कोई भी हो, उसकी आपको पहले से जो भी आप उसका रखरखाव रखेंगे या जो पहले से उपचार कर सकते हैं वही है। होने के बाद वायरस की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती है कि जो परफेक्ट काम करे और आपको बचा लिया जाए, इससे बहुत घातक परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसके पहले से ही तैयार रहना ज़रूरी होता है और आप जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हम तो यही आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और आपको किसी प्रकार का कोई संक्रमण या कोई इस प्रकार की दुविधा न हो, इसीलिए हम आपको सावधानी बरतने के लिए अवेयर कर रहे हैं और आप भी सभी इसमें सहयोग करें। जैसे प्रधानमंत्री और भी बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि आज से मास्क लगाए हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये आपके लिए चेतावनी है कि अगर सावधानी नहीं बरती तो फिर से लॉकडाउन वगैरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और बहुत ही दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि चीन के अंदर चल रहा है, मीडिया खबरों की माने तो चीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दृश्य देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार का हमारे यहाँ नहीं हो, इसके लिए आप सावधान रहें, अपने आप को एकदम तैयार रखें और इस प्रकार की दुविधाओं से लड़ने के लिए तैयार रहें और बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके। थैंक यू, धन्यवाद।